तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं नांगर ढील के देखो बैला ले जा रहा हूँ। ये देखो हमारे बैल बैल लेके जा रहा हूँ अभी। और अभी रोपा आज लगवाना है बड़ा खेत में, तो अभी फिर से जल्दी से आना पड़ेगा मेरे को, आटी बगराना है ना। तो चलिए पहले जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। और इधर हमारे बैलों को ले जा रहा हूँ। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा के देखो झलगी लेके जा रहा हूँ खेत में आटी बगराने। और बहुत ज़्यादा धूप किया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूप किया है। देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप किया है, इस वजह से हमेशा गमछा को सर में रख लिया। बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहा है, लेकिन क्या करोगे, धूप में भी खेतों में जाना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। जब तक खेत में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना। अभी पापा आटी बगरा रहे थे तभी घर आ चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ बीच। तो गाइज मैं अभी अपने खेतों के पास पहुंच चुका हूँ। देखो पीछे तालाब है और इधर वो वाला खेत है जिसमें भी रोपा लगा रहे हैं देखो। और इसी खेत में आटी बगराना है। इधर पापा कुछ छीट दिए हैं और उधर पूरा माटी छीटना बाकी है। और ये वाला भी हम लोग का खेत है, इसमें पहले लग गया तो देखो कैसा मस्त धान दिख रहा है। तो अभी बहुत धूप लगा था तो इसलिए मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा पसीना सूख जाए उसके बाद फिर काम में लगता हूँ। और मेरे को वहाँ से नाटी लाना है, वो ये बमरी है ना यहाँ पास, यहाँ पास वो खेत है जिससे आटी ला के यहाँ पर छीटना है इस खेत में। तो चलिए चलते हैं अब अपने काम में। तो ये रहा वो खेत जहाँ से मुझे आटी ले जाना है। इधर का पापा ले जा चुका है, इधर का बाकी है। अरे एक कोई तो यहाँ से रुका रहा है। और इधर हमारी बीवी जी देखोगी बैठी, दो मर्ग लगा है बस। तो गाइस देख सकते हो आज इतने लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अभी अंधेला भी हो चुका है, देखो ये इधर हमारी बीवी का काका पकड़ना है, चलो जल्दी है। तो गाइस अब लोगों लगा के हो गए आज का काम कंप्लीट, अब चलते हैं घर। चल काका रखना है, ये थोड़ा को नीचे कैसे कर दे। तो गाइस अभी नहा धोकर हो गए फ्रेश, और अभी हम खाना बना रहे हैं मिल के हमारे पत्नी के साथ। ये देखो और इधर लहसुन प्याज काट रही है फ़ौरन डालने के लिए। आज हमारे घर ये बनेगा बरबट्टी सब्जी, काट के रखी है उधर। कहाँ रखी है, ये रखी है, ये रखी है। दारू बनेगा है। लान फ़ौरन जल्दी डालते हैं, ये डल गया फ़ौरन, और फ़ौरन जल जाए फिर डालते हैं। और ये गया सब्जी, तो अब इसको खोल कर चला देते हैं बढ़िया से। और इधर एक टमाटर काट रही है इसको सब्जी में डालने के लिए। और सब्जी जब तक बढ़िया से ना भून जाए जाए तब तक इसको ढक ढक के पकाते रहना है। और टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर के साथ इसको ढक ढक के पकाते रहना है, इसे चलाते रहना ताकि नीचे ना बैठ जाए। और इधर मेरी पत्नी देखो मसाला पीस रही है, देखो देसी तरीके से पत्थर सील से पीस रही है इसको डालने के लिए। तो चलिए अब डालने लायक हो गए हैं सब्जी में, तो डाल देते हैं।
तो ये जा रहा है हल्दी मसाला, चक्कर अनुसार हल्दी मसाला डाल दिए। इसको बढ़िया से चला देते हैं, बढ़िया से चला के मिक्स कर देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें नमक भी डाल देना है अपने आवश्यकता अनुसार। तो नमक भी डाल देते हैं, ये देखो नमक डाल रही है। तो अब इसको थोड़ी देर और ढक ढक के पकाना है, इसके बाद हमारा सब्जी तैयार हो गया। तो कुछ देर बाद देख सकते हो हमारा सब्जी बढ़िया से पक कर तैयार हो गया है। और चलिए अब खाते हैं, इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं गाइस। बाय बाय।